कैसे हो सभी लोग। हाय, सब अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एसएससी जेई और आरआरबी जेई की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा सुनिएगा, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। यार देखो, कई बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर हम आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी जेई की करें या ना करें। देख मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई में 3 से 4 सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एसएससी जेई। जो एसएससी जेई में पढ़ाया जाता है वही आरआरबी जेई में पढ़ा जाता है। तो पहले तो ये दिमाग से क्लियर कर लो भाई, आरआरबी जेई और एसएससी जेई क्या है। थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है 3 से 4 सब्जेक्ट का आरआरबी जेई में, और बाकी एसएससी जेई का है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, एसएससी जेई में हमारे को पेपर 1 और पेपर 2 आपका होता है, ठीक है। और पेपर 1 क्वालिफाइड होने के बाद पेपर 2 में आप एलिजिबल हो जाते हो, और पेपर 2 क्लियर होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है पेपर 1 और पेपर 2 को लेके, ठीक है। दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं, फिर वहां पे आपका फाइनल जो भी मेरिट लिस्ट निकलती है वो फाइनल आपके पास रिवील कर दी जाती है। अब हमारे पास देखो आरआरबी जेई अगस्त के तकरीबन आएगा, हमारे पास एसएससी जेई हमारे पास जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी हम किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से हमारी रणनीति हो कि इस एग्जाम को निकाल दें। देखो, तो आप एसएससी जेई की कर रहे हो तो मतलब आपकी आरआरबी जेई की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि वही सिलेबस आपका आरआरबी जेई में है। तो अभी मैं टारगेट करूंगा एसएससी जेई, ठीक है, और सभी बच्चे भी टारगेट करना चाहिए एसएससी जेई। अब एसएससी जेई में जो हमारा पेपर 1 होगा ना, तो पेपर 1 के अंदर देखो 100 टेक्निकल के होंगे, ओके, क्वेश्चंस, और 50 रीजनिंग के होंगे और 50 जीके जीएस के होंगे। और टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा 130 प्लस मार्क्स आए। देखो कट ऑफ यार हमेशा से वेरी की है, पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया। पेपर जनरल की कई बार 115 भी गई है, ओके, जनरल की कई बार 130 भी गई है, जनरल की कभी 140 भी गई है, ठीक है। एसटी और एससी की कभी 115 भी गई है, कभी 110 भी गई है, कभी 105 भी गई है, कभी 95 भी गई है। ये 200 में से मार्क्स बता रहा हूं मैं आपको कि 200 में से इतने इतने मार्क्स गए हैं। तो देखो हमारे पास, हम टेक्निकल को लेके चलते हैं, तो टेक्निकल में हमारे पास 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम कब मिलता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है आपके पास, कि जिसमें जीके जीएस रीजनिंग सब कुछ आपको कंप्लीट करना होता है। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल इस महीने में आपको क्या करना चाहिए कि टेक्निकल में जो हमारा सिलेबस है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि ये चैनल आपका इलेक्ट्रिकल का है। तो इलेक्ट्रिकल में आपको जो मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। देख लो बेसिक इलेक्ट्रिकल, आप देखना लास्ट के 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 100 में से 35 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का देखने को मिलेंगे और 100 में से 25 क्वेश्चन आपको मशीन के देखने को मिलेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो कितने होंगे, 60, मतलब 100 में से 60% आपका ये 2 सब्जेक्ट आते हैं। और पावर सिस्टम की बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चंस, ओके, और अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चंस, और यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन क्वेश्चन की बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चंस। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। और सर एनालॉग डिजिटल, इसमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो भाई, एसएससी जेई का पता नहीं यार, एसएससी जेई वाले जब पेपर बनाने बैठते हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट से, वो एनालॉग से में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो डिजिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको एकाध क्वेश्चन गलती से दिख गया हो तो दिख गया, नहीं तो दिखेगा भी नहीं, वो भी एनालॉग को दिख जाएगा, डिजिटल का तो दिखेगा भी नहीं। तो मतलब इनको आप समझ सकते हो, कभी एकाध क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब इनमें एसएससी जेई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट होता है कोर सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हमको करना चाहिए कि आपके पास मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हमने अभी आपका इंद्रधनुष बैच चलाया, इंद्रधनुष एसएससी जेई, इंद्रधनुष आरआरबी जेई, इंद्रधनुष यूपीपीसीएल, जो कि मास्टर पास एजुकेशन के एप्लीकेशन पे है। तो आपको टास्क अलॉटमेंट दिया हुआ है और आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, और रात में मैं डेली अपडेट आप लोगों का लेता हूं, और आप लोग अपना देते हो कि सर आज डेली का टास्क अपडेट हमने कर दिया है। तो अभी नॉन टेक नहीं करना, नॉन टेक जब मैं बोलूंगा ना तब करना है। अभी मैंने बोला कि 22 दिन तक सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन्स। और जो हमारे सीएससीबी के बच्चे पुराने वाले एनरोलमेंट हुए उन्होंने मशीन कर रखा है, तो डेफिनेटली आप पावर सिस्टम कर सकते हो। डेली के 2 वीडियो मशीन के, डेली के 2 वीडियो आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल के, ऐसे करके 22 दिन में हमें चीजें सिमेट लेंगे अपने हाथ में, क्योंकि 60% है भाई ये वेटेज। अब नॉन टेक को कैसे करेंगे, अब वहां पर मैं बताऊंगा आफ्टर 22 डेज। और मेरे को पता है आपको एक क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस तरीके से चीजें आपकी डील की हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको करना कैसे है, पहले टेक्निकल को उठाना है, नॉन टेक के बारे में कुछ भी नहीं सोचना जब तक मैं ना बोलूं। जिस दिन मैं बोल दूं उसके बाद ही आपको नॉन टेक पे करना है, और कैसे करना सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ओके। और जिस बच्चों को करना है मेरे भाई, कर सकते हो मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाके। और जो एसएससी जेई और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो आरआरबी जेई वाला बेच ही परचेज करिएगा मेरे भाई,
ठीक है, उसमें आपकी एसएससी जेई की तैयारी हो जाएगी। और जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है तो ओनली एसएससी जेई का ही करिएगा, और एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको यार प्रोवाइड कर रखा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। और मैं तो इतना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अंधभक्त ना बने, किसी पे भी बिलीव ना करे, ना मेरी बातों पे करे, ना किसी टीचर पे करे। आप उस चैनल पे जाइए, उस चैनल पे किस तरीके से आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं किस तरीके से आ रखे हैं, लाइव में उनके वीडियोस देखिएगा कि इनके लाइव में क्या क्या चल रहा है, क्या व्यूवरशिप है इनकी, बच्चे कितना फॉलोअप करते हैं इनको। ये चीजें देख के ही आप किसी भी चैनल पर ट्रस्ट करिएगा। मैं ये नहीं बोलता मास्टर प्लस एजुकेशन पर ट्रस्ट करिएगा, दुनिया के किसी भी चैनल पर आपको ट्रस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको ये चीजें देखना चाहिए, ना कि वो चीजें कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, पता नहीं पढ़ाने में कंटेन है या नहीं है, जो भी चीजें हैं। और एक बात मेरे को और भी बतानी है, कहीं बच्चे सीएसी भी के थे ना मेरे भाई, है ना, जो हमारे पेड को फॉलोअप नहीं कर रहे थे, यूट्यूब के फॉलोअप कर रहे थे, है ना। और ऐसे तो हमने सीएसई का पूरा 100 का 100 पेपर हमने मिलाया, 100 के 100 कोर्सेस वहां पे मिले हैं। लेकिन जिन बच्चों को डाउट है ना कि भाई नहीं मिले हैं आपके क्वेश्चंस, इतने नहीं मिले हैं सर, इतने नहीं मिले हैं, 2-5 क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। पहली बात, कहीं बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो आप फेक कमेंट करवा लोगे, ये आप फेक करवा लोगे, सारी चीजें स्क्रीनशॉट सब फेक हो। हाँ बिल्कुल फेक हो सकता है, करवाती है दुनिया, हम तो नहीं करवाते, लेकिन इस सदी में दुनिया को विश्वास दिलाना आसान नहीं है, विश्वास बहुत मुश्किल से करती है दुनिया। लेकिन जो सत्य है उसमें डरना क्यों है, आपको विश्वास भी होगा, आपको बिलीव भी होगा। वेट करिए सीएससीबी के रिजल्ट का, सब बच्चों को मैं लाइव में लेके आऊंगा जिस दिन सिलेक्शन होगा, क्योंकि 80+ मार्क्स भी हमारे यहीं से हैं, और 70+ मार्क्स भी हमारे यहीं से हैं, और 60+ मार्क्स भी हमारे यहीं से हैं। सीएससीबी में 300+ जो वैकेंसी थी ना, ऐसा यूट्यूब पे पहला चैनल होगा मास्टर प्लस एजुकेशन जो 300+ पर सिलेक्शन देगा, इतनी कम वैकेंसी पे उतने सारे बच्चों का सिलेक्शन देने वाला है, ठीक है। तो वेट करिए, जिनको डाउट है वेट करो, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करनी है, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और किसी को भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।